क्वेश्चन है, अ वायर इंक्रीजेस बाय 10^-3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब कि वायर इंक्रीजेस का मतलब डेल्टा एल 10^-3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो क्या गिवन है, डेल्टा एल बाय एल की रेशियो 10^-3 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये डेल्टा एल बाय एल गिवन है, स्ट्रेस आपको गिवन है और स्ट्रेस के यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, फोर्स बाय एरिया। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? तो वाई का फॉर्मूला सबको पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, और स्ट्रेन सबको पता है डेल्टा एल बाय एल है, स्ट्रेस आपको पता है, डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन आपको पता है, सॉल्व करके आंसर। ठीक, तो वैल्यूज आइडेंटिफाई हो रही हैं, डेल्टा एल बाय एल यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेस क्या चीज़ है, डेल्टा एल बाय एल क्या चीज़ है, समझ में आता है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें क्या क्या चीज़ें गिवन है। वॉट फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्या निकालनी है फोर्स, टू स्ट्रेच अ स्टील वायर 1 cm² इन एरिया, तो एरिया हमें दे दिया, टू डबल इट्स लेंथ, लेंथ को डबल करना है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर ओरिजिनल लेंथ एल है और हमने वायर की लेंथ को डबल करना है तो कितना करना है, 2L, तो इंक्रीज इन लेंथ कितना है, 2L में से L गया L, तो डेल्टा L क्लियर है, डेल्टा L यहाँ पर L होगा, तो तुम्हें डबल करनी है लेंथ, वाई आपको पता है। अब क्योंकि देखो वाई के जो यूनिट्स हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब SI है, और ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक इसके अंदर वाई का फॉर्मूला लगा लिया, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, मेरे को क्वेश्चन में वाई पता है, फोर्स मुझे निकालनी है, एरिया मुझे पता है, डेल्टा एल और एल में डेल्टा एल को एल पुट कर दिया, एल बाय एल क्या होता है 1, एफ निकाल देना। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर है, तो यहां से फोर्स निकाल लेना आंसर। जैसे फाइंड द स्ट्रेस अप्लाई टू द स्टील, स्ट्रेस निकालना है, क्या गिवन है, टू स्ट्रेच इट बाय 0.025% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब मेरे को क्वेश्चन में यह गिवन है कि मेरे को इंक्रीज इन लेंथ कितनी चाहिए, 0.025% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल इज 0.025/100 क्यों, परसेंटेज के लिए 100 कर दिया, बाय एल, तो डेल्टा एल बाय एल की रेशियो 0.025/100, ये डेल्टा एल बाय एल आ गया। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू समझ में आ रही है क्या होगी, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ मुझे गिवन है। ठीक, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पता है, स्ट्रेस निकालना है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाय एल, तो स्ट्रेस की वैल्यू मुझे पता है 9×10^10 पता है, स्ट्रेन मुझे पता है ये रहा स्ट्रेन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, तो यहां से आंसर आएगा
स्टील वायर ऑफ लेंथ यानी कि एल पता है, डायमीटर यानी कि डी पता है, डायमीटर तो एरिया भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से, इज स्ट्रेच्ड बाय 5 kg वेट, क्या गिवन है, फोर्स पता है, फाइंड इंक्रीज इन लेंथ, क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, और यंग्स मॉडुलस भी पता है। प्रॉब्लम क्या है, लेंथ देता है मीटर में, डायमीटर देता है एमएम में, फोर्स देता है केजी वेट में, और रहा सहा ये यंग मॉडल देता है सीजीएस में, कुछ भी यूनिट बराबर नहीं है। एक फैसला कर लो, एक यूनिट सिस्टम में काम करना है, मैंने सीजीएस कर लिया, रीजन ढाइंस, और इसको कौन दो को कौन चेंज करेगा, उन्हीं को चेंज कर लेंगे, तो मैंने सीजीएस सोच लिया। तो जब मैंने फॉर्मूला लगाया यंग मॉडल्स का, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यंग मॉडल सीजीएस में एज इट इज पुट कर दिया, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 kg वेट, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई, 5 × 9.8 न्यूटन पर, हमने तो सीजीएस डिसाइड किया, तो न्यूटन को डाइंस में करना पड़ेगा 10^5, तो ये न्यूटन बना, फोर्स की जगह 5 × 9.8 न्यूटन है, 10^5 मल्टीप्लाई करके डाइंस हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, डाइंस में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5 mm, और सॉरी डायमीटर कितना है 5 mm, रेडियस क्या होगा 2.5 mm, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय लेंथ, लेंथ है मीटर में, हम काम कर रहे हैं सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई, निकाल लेना आंसर। तो पहले सारे यूनिट्स को क्या करना है, सही करना है, उसके बाद आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल की वैल्यू आएगी। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट, टू वायर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, याद रखना जिन क्वेश्चन में ये मेंशन है, सेम मटेरियल मतलब यंग मॉडुलस सेम है, तो यंग मॉडुलस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, उसकी वाई की वैल्यू मान लो कुछ गिवन है, तुमने कॉपर वायर को तोड़ दिया, छोटा कर दिया, वाई ना चेंज होगा, डेंसिटी की तरह वाई चेंज नहीं होगा, डेंसिटी को भी चेंज नहीं होती, वाई भी चेंज नहीं होता, वायर चेंज करोगे तो वाई चेंज होगा, फॉर अ गिवन वायर सेम रहेगा, तो वाई नहीं चेंज करना कभी भी। तो कह रहा है कि सेम मटेरियल वाई सेम है, फोर्स की रेशियो गिवन है, लेंथ की रेशियो गिवन है, डायोमीटर की रेशियो गिवन है, तो रेडियस की रेशियो भी सेम है, किसकी रेशियो निकालनी है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है डेल्टा एल, यंग्स का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल एक तरफ वाई एक तरफ, एक बार फर्स्ट वायर के लिए इक्वेशन लगाओ, एक बार सेकंड वायर के लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, मैंने ओरली कर दिया, डेल्टा एल वन बाय डेल्टा एल टू, एफ वन बाय एफ टू, एल वन बाय एल टू, अब ये रेसिप्रोकल है, तो आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर और वाई टू बाय वाई वन, पर वाई तो बराबर ही है, वो तो कट ही जाएगा, तुम्हें इसकी रेशियो पता है, तुम्हें इसकी रेशियो पता है, तुम्हें इसकी भी रेशियो पता है, डेल्टा एल की रेशियो आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसका,
ठीक है यहाँ तक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे यंग मॉडल्स की प्रॉब्लम को हैंडल करना है इसमें। जैसे नेक्स्ट, क्वेश्चन है, अ वायर इलोंगेट्स बाय 9 mm, मतलब डेल्टा एल गिवन है, बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 10 kg, हमें फोर्स न्यूटन में निकालनी होती है, तो 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके फोर्स आ जाएगी, न्यूटन में फोर्स आ जाएगी, डेल्टा एल आ गया। व्हाट इज इलोंगेशन, फिर से डेल्टा एल निकाल लो। जब मैंने वायर का रेडियस को क्या कर दिया, डबल, तो यंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। इस पूरे क्वेश्चन में मैं रेडियस को डबल कर रहा हूँ, पहला डेल्टा एल जब रेडियस आ रहा है तो डेल्टा एल मुझे पता है 9 mm है, जब रेडियस डबल कर दिया तो डेल्टा एल निकालना है, तो क्या दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक आर और एक डेल्टा एल, बाकी ना एफ चेंज हो रहा है, ना एल चेंज हो रहा है, ना वाई चेंज हो रहा है और ना पाई चेंज हो रहा है, ये पूरे का पूरा कॉन्स्टेंट। तो यानी कि आर वन स्क्वायर इंटू डेल्टा एल वन इज़ आर टू स्क्वायर इंटू डेल्टा एल टू, है ना, वन और टू वायर का ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। आपको क्वेश्चन में रेडियस आर वन पता है, सेकंड केस में रेडियस डबल हो गया, डेल्टा एल वन 9 पता है, डेल्टा एल टू निकाल देना आंसर, जैसे मर्जी करो, फॉर्मूला तो एक ही है, मेरे को ये आसान लगा। वाई लिख लिया, पहले फर्स्ट वायर के लिए लगा लो, ऐसे कर लो, पहली वायर के लिए फॉर्मूला लगा लो, पहली वायर के लिए एफ एल आर वन स्क्वायर डेल्टा एल वन, फिर दूसरी वायर के लिए लगा लो एफ एल पाई आर टू स्क्वायर डेल्टा एल टू, ये लो इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा, एक ही बात है, ऐसे कर लो, वाई तो सेम ही है। कैसे भी इस फॉर्मूले को कैसे गोल, मतलब ऊपर नीचे करना है, तुम जैसे मर्जी करो, दो तरीका तो एक ही है, वो भी यही है, वो भी यही है, उससे आसान तो कुछ है ही नहीं जो मैं लिखा है अभी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कैसे करना है, क्लियर है? नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़ा, ये क्वेश्चन ऐसा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम वायर आपको गिवन है। ब्रेकिंग स्ट्रेस समझते हो कि अगर आपने स्ट्रेस जो तुमने लगाना है वायर को खींचने के लिए इसके ऊपर लगा दिया तो आपकी वायर टूट जाएगी, मतलब ये सह नहीं पाएगी, इससे ऊपर स्ट्रेस मत लगाना, लास्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम वायर That can hang vertically without breaking, और डेंसिटी आपको गिवन है वायर की। वो कह रहे हैं जी अब एक काम करते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं कि आपने एक एल्यूमिनियम की वायर को लटकाना शुरू किया, छत से लटकाना शुरू किया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वायर आपने लटकाई और वो टूट गई जी, क्यों जी, उसका वेट बहुत ज़्यादा था। चलो वो कहते हैं मान लेते हैं आप एल्यूमिनियम भरना शुरू करो, और लंबी वायर और करें लंबी, और जितनी मर्जी लंबी करते जाओ करते जाओ, मैं कह रहा हूँ कई किलोमीटर तक लंबी कर दो जाए, कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन इमेजिनरी है। तो
तो बताओ कितनी लंबाई रखें इस वायर की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा लेंथ करने से प्रॉब्लम क्या है, उसका वेट बढ़ रहा है। ज्यादा लेंथ करेंगे और मटेरियल एल्यूमिनियम का भरेंगे तो वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है उसका, खुद का स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि यहां से यहां पे इस क्वेश्चन में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, वो खुद अपने वेट से ही फोर्स लगाई जा रहा है और अपने वेट से ही वो लंबा करे जा रहा है अपने आप को। तो तुम अगर लेंथ लंबी करते जाओगे, मटेरियल भरते जाओगे, तो तुम्हारी लंबाई बढ़ेगी, वेट बढ़ता जाएगा। अब ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस वायर का स्ट्रेस इससे ऊपर हो जाए, और ये लास्ट वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं करना। तो बताओ कितनी लेंथ ले सकते हैं इस एल्यूमिनियम वायर की, ताकि इसके बियॉन्ड अगर गए और लेंथ ली तो वो टूट जाएगी, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होगी ये बताओ। बाहर से तुमने कोई वेट नहीं लगाया, तो आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि अगर आपके पास ये एक वायर है, वायर है, तो इसका वेट इसे नीचे लेके आ रहा है एम जी, इसका वेट मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ इसकी एल है, तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो ये क्या आ गया, ये वेट आ गया या फोर्स आ गई। तो इतनी फोर्स या इतना वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिससे ये नीचे की तरफ पुल हो रहा है। अब स्ट्रेस क्या होता है, वेट अपॉन एरिया, इसमें कौन सा कोई एफ फोर्स लगाई हमने, ये तो खुद का वेट ही से नीचे लेके आ रहा है, तो वेट को एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया, वेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे आया, ए एल रो जी, एरिया से एरिया कैंसल, तो ये मेरे पास स्ट्रेस आ गया, और ये स्ट्रेस की लास्ट वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने वो स्ट्रेस की वैल्यू को पुट किया और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने क्या निकाल दी, लेंथ, क्योंकि डेंसिटी और जी तो मुझे पता है, यहाँ से लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस निकाल लेना है वेट बाय एरिया से, और वेट को डेंसिटी की फॉर्म में कैसे लिखना है, बस ये ट्रिक है, एम जी की फॉर्म में लिखना है, फिर मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पुट करके आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक ले लो, 10 ले लो, ये कौन सा ग्रेविटेशन का चैप्टर है कि जी चेंज हो जाएगा, उसी में था बस, जी को जो है वही यूज करना है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं इतना, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, होमवर्क है ये आपका, ये होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है, ये सब होमवर्क है आपके, ये वाला और ये करना है, ये करना है 14th। द लेंथ ऑफ द मेटल वायर इज एल वन व्हेन टेंशन इज टी वन, तो जब तुमने एक वायर पे टेंशन टी वन लगाई यानी कि फोर्स लगाई तो वायर लंबी हो गई, कितनी लंबी हो गई एल वन, जब तुमने टेंशन को चेंज किया टी टू तो वायर की लेंथ कितनी होगी एल टू, फिर वो कह रहे हैं ओरिजिनल लेंथ क्या है वायर की ये बताओ, दोनों केस में एक चीज सेम रहेगी और वो है यंग्स मॉड, क्योंकि मटीरियल तो सेम ही है, वायर तो सेम ही है, तो वायर विल रिमेन सेम। पहले केस में केस नंबर वन मान लो ओरिजिनल वायर आपको क्वेश्चन में निकालनी है लेंथ क्या है, ओरिजिनल वायर की लेंथ एल है, तो यंग मॉडुलस क्या है, फोर्स टी वन बाय एरिया डेल्टा एल वन बाय एल वन, नहीं इसको एल लेंगे, ले सकते हैं ओके, डेल्टा एल वन बाय एल ले लेंगे क्योंकि ओरिजिनल लेंथ आपको एल लेना है, तो एंड में मैं कैंसिल करूंगा ना इसे, तो डेल्टा L1 बाय L ले लेना क्योंकि ओरिजिनल लेंथ हमने L माननी है।
ऐसे यहाँ पर डेल्टा एल टू बाई क्या आएगा, एल ले लेना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल लेंथ लेनी होती है जो कि एल है, एंड में कैंसिल हो जाएगी। लेकिन डेल्टा एल वन क्या होगा, डेल्टा एल वन यहाँ पर क्या होगा, एल वन माइनस एल, क्योंकि फर्स्ट केस में जो नई लेंथ है वो एल वन है और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल है, तो यहाँ एल वन माइनस एल, और यहाँ पर भी डेल्टा एल टू की जगह एल टू माइनस एल। तो तुम इसे जरा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आंसर देखना क्या होगा। अरे चेक कर लो, एल निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनल लेंथ निकाल लेना, ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका। मेथड समझ में आ रहा है, वाई को इक्वेट करके इसमें वाई का फॉर्मूला लगाना है, और डेल्टा एल वन जो इम्पोर्टेंट है ये है, एल वन माइनस एल है, डेल्टा एल टू, एल टू माइनस एल है। एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले आपको एक चीज़ मुझे बतानी है, तो ये हो पाएगा तो हो नहीं पाएगा। एक चैप्टर है हम अभी हीट में डिस्कस करेंगे, जब सारे चैप्टर खत्म होंगे हीट स्टार्ट होगी, उसमें थर्मल एक्सपेंशन करके चैप्टर है। थर्मल एक्सपेंशन नाम से पता लग रहा है, थर्मल का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब हीट से एक्सपैंड होना, चीज़ें गर्म करने से एक्सपैंड होती हैं, इसे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अगर मान लो आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय डेल्टा टी, तो ये वायर लंबी हो जाएगी एल डैश, इंक्रीज इन लेंथ क्या आएगी, एल डैश माइनस एल, और जो भी इंक्रीज इन लेंथ है वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू एल है, ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल क्या है, मतलब अगर तुम्हारी लेंथ एक मीटर है वायर की, तुमने डेल्टा टी को इंक्रीज कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, चेंज इन लेंथ चार मीटर हो जाएगा, मतलब एक मीटर के बदले चार मीटर वायर लंबी हो जाएगी, इतना थोड़ा होता है, ये तो एमएम के अंदर होगी। अगर एक मीटर है तो एमएम के अंदर इंक्रीज है, बस थोड़ा सा पता नहीं लगेगा। और उसी तरीके से अगर ये लेंथ चार किलोमीटर है, हो सकता है एक आध मीटर लंबी हो जाए, तो जितनी ओरिजिनल लेंथ लेंगे उसकी प्रोपोर्शनल में ही उसकी इंक्रीज इन लेंथ आने वाली है। तुम अगर ओरिजिनल लेंथ ही किलोमीटर में लेने वाले हो तो इंक्रीज भी मीटर में होने वाला है, और अगर तुम ओरिजिनल लेंथ मीटर में लोगे तो ये एमएम के अंदर ही आने वाला है। सही है यहाँ तक? और साथ में ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करोगे इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होगा, तुम कम करोगे इंक्रीज इन लेंथ कम होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है। और तुम अगर इसे कंबाइन कर दो, इस रिजल्ट को कंबाइन कर दो, तो तुम्हें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनल की जगह, और ये कॉन्स्टेंट आ गया, क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो है मटेरियल। कॉपर की वायर ज़्यादा एक्सपेंड होती है, गोल्ड की कम होती है मान लो, तो मटेरियल पे भी एक्सपेंशन डिपेंड करता है। तो इसलिए कॉन्स्टेंट को बोलते हैं एल्फा। एल्फा का मतलब है ये मटीरियल पर डिपेंडेंट है, एल्फा जिन मटीरियल का ज़्यादा होता है उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होती है, एल्फा को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, या थर्मल एक्सपेंशन, या ऐसा बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ज़्यादा नाम चलता है इसका, तो लिख देता हूँ कोफिशेंट ऑफ लीनियर, लीनियर का मतलब लेंथ वाइज लीनियर एक्सपेंशन एल्फा। तो ये फॉर्मूला डेल्टा एल का फॉर्मूला, जिन क्वेश्चन में वायर गर्मी से लंबी होती है, मतलब मेरी फोर्स लगाने से नहीं एक्सपैंड हुई, गर्म करने से एक्सपैंड हुई, उसमें डेल्टा एल ये फॉर्मूला यूज होता है। और ये जब हम चैप्टर करेंगे आपको याद ही हो जाएगा, बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंट यूज होने वाला फॉर्मूला है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब भूल जाएंगे, तो बहुत मतलब नॉर्मल यूज करने वाला फॉर्मूला है। तो अभी के लिए क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो मैंने अभी बता दिया, वैसे ही अगले चैप्टर में आएगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्लियर है कैसे आया,
तो डेल्टा एल इसके इक्वल है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला नोट करना, अभी के लिए नोट कर सकते हो, और क्वेश्चन क्या है इसको आप देखो। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन है मेटल बार ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए रिजिडली क्लैंप्ड बिटवीन दी वॉल्स, ये देखो दीवार के बीच में इस वायर को क्लैंप कर दिया, फंसा दिया, ठीक है, और लेंथ इसकी एल है, एरिया इसका ए है, ऐसे ए है, यंग्स मॉडुलस इसका वाई है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है एल्फा। जिन क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वर्ड भी यूज हो जाए उसमें पक्का ये फॉर्मुला यूज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला ही एक है सिर्फ। आगे वो कह रहे हैं बार इज हीटेड, बार को गर्म कर दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ये बार क्या होगा, लंबा हो जाएगा, जगह तो है नहीं लंबा होने की, तो दीवार पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितनी है ये बताओ। तो मैंने तो फोर्स नहीं लगाई ना, ये तो एक्सपेंशन की वजह से फोर्स जनरेट होगी, तो आप क्या करेंगे इसमें यंग, क्योंकि इलास्टिसिटी है, क्योंकि क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में बस इंपॉर्टेंट ये डेल्टा एल को क्या पुट करेंगे, एल्फा एल डेल्टा टी, क्योंकि एक्सपेंशन हीट की वजह से है, और लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्म में डेल्टा एल का सिर्फ यही फॉर्मूला है, एल से एल कैंसिल करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए फोर्स का ये फॉर्मूला आएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत आता है कॉम्पिटिशन के अंदर भी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।